नमस्कार जी, आपका स्वागत है। अभी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, मोदी जी आए हुए हैं पूरा इस पे से 5 नंबर का। यहाँ पर पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखे हैं, जो वॉकिंग है उनको भी यहाँ पर मूव नहीं होने दे जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन जहाँ पर सिटीजन्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है इस पर आप एक देखेंगे। ये हाल पूरे भोपाल का है, जो बीजेपी कार्यालय के आसपास है। ये एरिया जेपी हॉस्पिटल का है, जहाँ पर लगभग जो वाकर्स हैं तकरीबन 3-3 किलोमीटर की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं वाइकर्स हैं, और जो वॉकिंग वॉल कर रहे हैं, जो पैदल हैं, उन लोगों को भी यहाँ पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। कब से खड़े हैं सर आप यहाँ पे? कब से खड़े हैं सर आप? 10 बजे सर। तो क्या पैदल हैं गाड़ी से? गाड़ी से लाए थे, गाड़ी रख के आ गए। तो पैदल भी जाने नहीं दे रहे? कहाँ जाना है, कोई काम? बल्लभ भवन जाना। क्या काम छूट रहा है आपका? ऑफिस सर, आप बताएं। ये सामने ऑफिस है। मोदी क्या कहते हैं मोदी? हम ये बोलना चाहेंगे मोदी जी के बारे में, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हर हर घर घर हर मोदी घर घर इस तरह का जो मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं बात करूँगा लोगों से किस तरह से यहाँ पर जाम है। नॉट ओनली हियर, पूरे लगभग चारों दिशाओं में यहाँ जाम है। पुलिस मुस्तैद है। मैं आपको और करीब से दिखा देता हूँ कि सामने जो वाकई इनके घर हैं और कार्यालय हैं, वो अपने पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिर भी हम बात करेंगे लोगों से, एक एक से जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो इसके परेशान हो रहे हैं। क्या मोदी का दौरा इस तरह की जनता को परेशान करके सही बनाता है? सर, आप किस तरह परेशानी महसूस कर रहे हैं? मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ। लिंक रोड नंबर 1 को बंद करने का न्यूज़पेपर में कोई भी डाइवर्शन नहीं दिया गया, ना कोई रेडियो वगैरह पे कुछ नहीं। अब रेडियो को थोड़ी सुनता है कोई, और टीवी हमेशा देखता नहीं। पेपर में एक देना चाहिए 1 दिन पहले। आज जो आया है उसमें कहीं लिंक रोड नंबर 1 रोशनपुरा को बंद करने कोई जिक्र नहीं। कहीं प्रशासन सर फेलियर रहा है सूचना देने में? टोटल पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, और प्रशासन ने इसका सुपरविजन ठीक से नहीं किया। प्रधानमंत्री इधर तो नहीं आने वाले थे, तो इधर क्यों बंद किया गया जी? और इस प्रकार से हर जगह लोग, हजारों लोग परेशान हैं। वल्लभ भवन ड्यूटी वाले ड्यूटी नहीं जा पा रहे, मुझे अपने क्लब जाना है, मैं क्लब नहीं जा पा रहा। और यदि पैदल चलने में क्या दिक्कत है, बैग चेक कर लो पैदल जाने, तो पैदल के लिए क्यों रोका गया? क्या क्या मोदी का ये दौरा किस तरह से प्रभाव देता है, इस तरह जनता परेशान होती है? अब वो अपनी जो अपना विज्ञापन करवा लें, जो वंदे भारत 50 चल रही है, क्या हर एक का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे? इसके लिए रेलवे मिनिस्टर को नहीं भेज सकते? और हर जो भी छोटी मोटी घटना होगी, राजनीति पहले आती है। मणिपुर जल रहा है, उधर ध्यान नहीं है इनका। अमेरिका हुआ है 5 दिन, तो मणिपुर में रोज आदमी मर रहे हैं, और उसके बाद भी अपना डिजिटली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? इसके लिए पैसा है सरकार का। इस तरह से मोदी भोपाल की जनता को परेशान करेंगे, माफ करेंगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में भोपाल की क्या, पूरे देश की जनता माफ नहीं करेगी। जितने भी अपोजिशन वाले हैं, सब में ईडी कर दो, सीबीआई कर दो, और तुम्हारे बीजेपी के नेता क्या दूध के धुले हुए हैं? लोग परेशान हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ कितने लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर रहवासियों से हम बात करेंगे। आप बताएं, आप यहाँ के नागरिक हैं या क्या हैं? नहीं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप बताएं किस तरह से मोदी का दौरा है, जो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं? हम तुलसीनगर में ही रहते हैं, हमको जाना है त्रिवेणीनगर, हम तो नहीं पहुँच पा रहे हैं पैदल। कम से कम जो जाना चाहता है, एक वन साइड दे दो ना, एक प्रोविजन कर दो कि वन साइड जाए। तो क्या मामा मामा से क्या आप अपील करते हो? नहीं, मामा से हम किसी से अपील नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अपेक्षा बता रहे हैं। आप वीआईपी डी टू करो, लेकिन ऐसा कर दो कि भैया एक जिसको जाना है एक वन साइड वे तो कर दो। आप हॉस्पिटल यहीं पे है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल है, जयप्रकाश हॉस्पिटल, तो वहाँ सामने एम्बुलेंस भी अटकी हुई है, वहाँ पेशेंट भी हैं, यहाँ पर वीआईपी भी अटके हुए हैं। सिटीजन देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है, मोदी की सेवा में लगी है। यहाँ पर गाड़ी इक्का दुक्का पास की जा रही है, आप देख रहे हैं बच्चा है छोटा सा, जो बामुश्किल पुलिस ने हेल्प करते हुए यहाँ पर पास किया है। लेकिन जो सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन हैं और भी लोग हैं जो आसपास यहाँ पर क्वार्टर्स में रहते हैं, उन तक पहुँच पाने में असमर्थ हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। और लोगों से भी जानेंगे। आप जुड़े रहें ई खबर के साथ, देखते रहें www.eekhabar.in। जय हिंद, वंदे मातरम।